दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने अपने डिफेंडर कायल वॉकर के खिलाफ जांच शुरू कर दी। ये जांच प्लेयर द्वारा माफी मांगने के बाद शुरू की गई। इंग्लैंड के लिए खेलने वाले वॉकर पर लॉकडाउन के दौरान सेक्स पार्टी करने का आरोप था। द सन नाम के अखबार ने खबर छापी थी कि वॉकर और उनके एक दोस्त ने दो सेक्स वर्कर्स को पैसे देकर वॉकर के घर पर बुलाया था। वॉकर ने इन्हें घर बुलाने से कुछ ही घंटों पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की थी। खबर सामने आने के बाद उन्होंने बयान देकर माफ़ी मांगी। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं पिछले हफ्ते की अपनी हरकत, जिसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में एक टैबलॉइड अखबार में खबर छपी, के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि प्रोफेशनल फुटबॉलर के रूप में मेरी पोजीशन के चलते मुझ पर एक रोल मॉडल बनने की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैं अपने परिवार, दोस्तों, फुटबॉल क्लब, फैंस और लोगों को नीचा दिखाने के लिए इन सभी से माफ़ी मांगता हूँ। बाहर तमाम हीरो इस मौके पर समाज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं पिछले हफ्ते तक उनका सपोर्ट करने, उनके अद्भुत बलिदान और जीवन बचाने के उनके काम के बारे में बात करने के लिए तत्पर था, लेकिन इस मामले में मेरी हरकतें उन कामों से एकदम उलट हैं जो मुझे लॉकडाउन के दौरान करने चाहिए थे। मैं फिर से कहना चाहूँगा, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना के चलते तमाम देशों की तरह इंग्लैंड में भी लॉकडाउन चल रहा है। प्रीमियर लीग सस्पेंड है, इसके चलते प्लेयर्स घर पर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। वॉकर आखिरी बार 1 मार्च को हुए काराबाओ कप के फाइनल में सिटी के लिए खेलते दिखे थे। इस फाइनल में सिटी ने एस्टन विला को हराया था। क्लब ने वॉकर की इस हरकत से नाराजगी जाहिर की है। क्लब ने अपने बयान में कहा, मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब कायल वॉकर की निजी जिंदगी के बारे में एक टैबलॉइड में छपी खबर, जिसका सीधा संबंध यूके में चल रहे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने से है, से वाकिफ है। फुटबॉलर्स पूरी दुनिया में रोल मॉडल होते हैं। हमारा स्टाफ और प्लेयर्स कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS समेत तमाम लोगों के कमाल के प्रयासों के सपोर्ट में लगातार काम कर रहा है। इस मामले में कायल की हरकत सीधे तौर पर इन प्रयासों के उलट है। हम इन आरोपों को सुनकर निराश हैं। हमने कायल के बयान और माफ़ी को देखा और आने वाले दिनों में हम एक आंतरिक डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे कायल के खिलाफ। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हाल ही में एक और इंग्लिश फुटबॉलर के खिलाफ एक्शन लिया गया था। एस्टन विला के लिए खेलने वाले जैक ग्रीलिश पर उसके लिए 1.5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी 1.39 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया था और अब यह मामला सामने आया है। कुल मिलाकर हम सबको कोरोना को गंभीरता से लेना होगा, घर पर रहना होगा और सुरक्षित रहना होगा। बाकी आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।